तो आज हम सीखेंगे ह्यूमन फिगर को कलर करना। ह्यूमन फिगर की ड्राइंग करके हम उसे कलर कैसे करते हैं वाटर कलर में। ये हमारी ड्राइंग है और ये कुछ कलर्स हैं। आपके पास कोई से भी कलर्स हो सकते हैं, ट्यूब कलर्स हो सकते हैं, केक कलर हो सकते हैं या पोस्टर कलर हो सकते हैं। पोस्टर कलर को भी आप ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी ज़्यादा पानी ऐड करके अगर यूज़ करेंगे तो वो वाटर कलर की तरह ही काम करेगा, अगर आपके पास वाटर कलर नहीं है तब के लिए। नहीं तो आप वाटर कलर यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि वाटर कलर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं और लेयर बाई लेयर हम उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन कलर से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ ऑरेंज और क्रिम्सन रेड यूज करके स्किन टोन देंगे। उसका नेक भी हम कलर कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट टोन है बेसिकली। वाटर कलर में एक बार में फाइनल नहीं करते हैं क्योंकि एक बार में प्रॉपर कलर आएगा नहीं। देन अभी हम फर्स्ट टोन क्लॉथ्स के कर लेते हैं। ये भी हम स्कार्फ पे बेस कलर कर देते हैं। हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, अगर हमारा सरफेस सूख जाता है उसके बाद हम जब दोबारा कलर करेंगे तो वो सेकेंड लेयर में आएगा। अगर आपको सेम टोन ही बना के रखना है तो पहली बार में ही कवर कर लें। जैसे कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक जैसा ही टोन चाहिए। तो उसके लिए अभी नेक्स्ट लेयर में जब हम काम करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हमारा शर्ट लाइट ग्रे है, उसमें हम हल्का सा ग्रे करके बाकी वाटर ऐड कर देंगे। तो बेस टोन आ जाएगा इसका। बाकी सारा हम नेक्स्ट टोन में क्लियर करेंगे। इसमें हमारा ईयर रह गया था वो हम दोबारा कर ले रहे हैं। अब हमारा सेकेंड टोन स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमारा कुछ पोर्शन सेकेंड टोन में ही फाइनल भी हो जाएगा। ये हार्ड ना लगे इसके लिए केवल वाटर लेके ब्रश में और मर्ज कर देंगे। स्कार्फ में हमें बेसिकली फोल्ड्स को क्लियर करना है, जो हमारे फोल्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, तो उनका साइड एज जो है उसमें डेप्थ आएगी थोड़ी सी।
फेस में भी हमें थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, बिकॉज उसके साइड से दिखना चाहिए हमें ना फेस। चूंकि ये इलस्ट्रेशन बेस फेस हैं, या यूं कहें इलस्ट्रेशन बेस पूरा कैरेक्टर है हमारा, तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाएगी। बाकी जब हम रियलिस्टिक बनाएंगे तो हम उसमें और डिटेल ऐड भी कर सकते हैं। क्योंकि कैरेक्टर में माउथ ओपन दिखाया हुआ है तो हमें थोड़ा सा डेप्थ दिखाना पड़ेगा अंदर का। और आइस के लिए ब्लैक डॉट जो हमने ड्राइंग में बनाया था उसको फिल कर देते हैं। ये पार्ट आप ड्राई होने के बाद में स्केच पेन से भी या पेन से भी, ब्लैक पेन से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रश से करेंगे तो आपकी ब्रश की हैंडलिंग आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहली बार की तरह ही कलर करके फिर उसे ब्रश में पानी लेके मर्ज करना है ताकि ग्रेडियंट क्रिएट हो। ग्रेडियंट मीन्स लाइट टू डार्क बिना हार्ड सरफेस के मर्ज होते हुए। गले में जो ये मफलर है बच्चे का, इसकी डिटेल्स के लिए हम बेस टोन हमारा हो गया था, खाली डिटेल्स हम ऐड कर देंगे, ये आपको प्रॉपर लगने लगेगा। इसके फेस और हेयर पे हम काम कर लेते हैं। हेयर से शेडो क्रिएट होगी ना, तो हम उसे थोड़ा सा बना देते हैं। कुछ डिटेल्स बचे हुए हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि टू लेसेस। हमारा ये फिगर लगभग कंप्लीट हुआ। बाकी आप लोग इसे ड्रॉ करके कलर करके मुझे भेजिएगा।